फ्रीलांसर बन गए हैं, गिग लगा लिया है, लेकिन अब क्या करें, कैसे लेके आए, लोगों को कैसे बताएं कि मैं जो काम करता हूं वो एक नंबर करता हूं, ओरिजिनल करता हूं, मुझे कैसे ऑर्डर मिलेंगे। दोस्तों गिग लगा ली मैंने मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर, मैंने अपवर्क के फ्रीलांसर पर, और मैंने इसके अलावा फाइवर पर तमाम जगह मैंने अपना गिग लगा लिया, अपना अकाउंट बना लिया, लेकिन अब परेशान हूँ कि मुझे पहला ऑर्डर कौन देगा और कैसे देगा, क्या करना पड़ेगा। पहला ऑर्डर मेरे पास आए, मुझे क्या पता कैसे मेरे पास ऑर्डर आएगा। तो दोस्तों आप वीडियो एंड तक देखिए, आपको मैं तमाम गाइड करूँगा कि पहला ऑर्डर आपके पास कैसे आएगा। तो दोस्तों नंबर एक, आपने किसी भी वक्त यहाँ पे ऑफलाइन नहीं रहना, आपने हर वक्त यहाँ पे ऑनलाइन रहना है अगर आप फर्स्ट ऑर्डर लेना चाहते हैं इस वेबसाइट पर। तो अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा अपने अकाउंट्स पे, ज़्यादातर आपको रात को ऑनलाइन रहना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम पाकिस्तानी जो हैं वो दिन को जागते हैं और रात को सोते हैं, जबकि जो गोरे होते हैं जहाँ से हमें सारे ऑर्डर मिलते हैं, जहाँ से हमें रियल ऑडियंस मिलती है, वो रात को उनका, जब हमारी रात होती है उनका दिन हो जाता है, तो फिर वो जागते हैं, तो फिर जब वो हमें ऑर्डर देते हैं तो हम सोए पड़े होते हैं। तो इसलिए जो बंदा उनके उनको ऑनलाइन मिलता है फिर वो ऑर्डर उसी को देते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी, अगर आपने ओरिजिनल यहाँ पर काम करना है तो आपको जागना पड़ेगा और जाग कर आपको ऑर्डर लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है, आपने ख़ास तौर पे रात को जागना, ठीक है, हर वक्त आपने अपने अकाउंट चेक करते रहना कोई कस्टमर आया है या नहीं आया। तो जैसे ही कोई ऑर्डर आता है तो आपने इसको पिक करना और जल्दी से जवाब देना और उसका ऑर्डर आपने मुकम्मल करके उसको प्रोवाइड करना, अपने पैसे ले लेने हैं। तो दोस्तों नंबर दो पे मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है, आपका जो अकाउंट है फ्रीलांसिंग वाला उसको आपने रिफ्रेश करते रहना, आपने उसको बार बार रिफ्रेश करते रहना। अगर आप बार बार नहीं करते तो इसके लिए ऐप्स भी मौजूद हैं, आप ऐप्स को डाउनलोड करके वो खुद ब खुद थोड़ी देर के बाद इसको रिफ्रेश करती रहेगी, इससे आपकी जान छूट जाएगी। नंबर तीन पे आ जाते हैं दोस्तों, आपने यहाँ पे एक अकाउंट नहीं दो बनाने पड़ेंगे आपको। दो किस लिए दोस्तों, एक तो आपने बना लिया, किसी को आपने वर्क करके देना है, जो भी आपने काम करके देना है, आपके पास कस्टमर आएगा ना, आप एक दुकानदार हैं मिसाल ले रहे हैं, ठीक है, आप उसको काम करके देंगे या आप कोई चीज़ उसको प्रोवाइड करेंगे तो आप दुकानदार हैं, कस्टमर आपके पास आएगा। दूसरा अकाउंट आपने बनाना है गाहक वाला, यानी कस्टमर वाला भी आपने अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि मुख्तलिफ मोबाइल्स के ज़रिए एक नहीं काफ़ी ऑर्डर्स आपने लेने, तकरीबन 10 से 12 ऑर्डर अपने आप को ही देने हैं। क्या करना है, अपने आप को ऑर्डर देने। ओ भाई यहाँ पे गेम ऑर्डर्स की है, यहाँ पे दिखाना पड़ता है कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, लोग मुझसे इतना काम करवा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपकी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सर्फ तो करना पड़ेगा ना। अगर आप सर्फ नहीं करेंगे फिर आपके पास ऑर्डर नहीं आएंगे, अगर आप टाइम नहीं देंगे, पसीना नहीं बहाएंगे तो आपको भाई कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और यहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप बहुत पीछे रह सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे न्यू हो तो आपको अपनी मौजूदगी जाहिर करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि मैं एक पुराना हूँ और मैं अच्छा काम करता हूँ। भले ही आप कितने ही एक्सपर्ट हैं लेकिन आपको इस जो जितना भी कॉम्पिटिशन है इसमें आगे निकलना पड़ेगा। जितने भी आपने अपने आप को जो आप ऑर्डर देंगे उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको वही इन्वेस्टमेंट वहाँ पे देनी पड़ेगी, जो बस ऑर्डर तो आपको ही मिलेगा, पैसे आपको ही मिल रहे हैं, ठीक है, आपके जो वेबसाइट के चार्जेस हैं बस वो आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे, वो बर्दाश्त कर लेंगे, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगी, इंशाल्लाह आपका अकाउंट ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों आपने नंबर चार पे क्या काम करना है, नंबर चार पे आपने करना है, कोई बंदा आपके पास आता है तो उसके आपको पता होना चाहिए मैंने इसको डील कैसे करना है, वो उसे जो बात वो कर रहा है आगे से आपने क्या जवाब देना उसको, आपने उसको अपनी बातों में कैसे लेना, अपने आपके अपने ही अकाउंट पर उसको ऑर्डर कैसे दिलवाना है, यानी किसी और के पास वो ना जा पाए। दुकानदार की हमेशा यही सोच रहती है कि जो ग्राहक मेरे पास आया है, जो कस्टमर मेरी शॉप पे आया है, वो मेरे अलावा कहीं और जाकर सामान ना ख़रीदे, ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदारी बढ़े। तो इसी तरह आपने करना है, जो आपके पास क्लाइंट आता है आपने उसको अपनी दुकान से खाली हाथ नहीं लौटाना। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा दोस्तों, आपको क्या पता अब पहला कस्टमर आए और आपको वो कहे कुछ लेकिन आप उसको जवाब कुछ और दें, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस तो है नहीं। तो आपने यहाँ पे एक मेथड यूज़ करना है जिसके ज़रिए आप ये काम कर सकते हैं। दोस्तों आपने क्या करना है, आपने भी किसी और सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना है, उसके अकाउंट पर जाकर आपने ऑर्डर देना है, वही ऑर्डर जो आपके अकाउंट पर कोई आकर देता, ठीक है,
आपने उसकी बातें चेक करनी है, जो वो बातें आपके करेगा वो बातें आपने नोट कर लेनी है। नोट करने के बाद जो भी कस्टमर आपके पास आएगा तो आपने उसी तरीके का जवाब देना है जैसे उसने आपको दिया था। अब उसी तरीके से आपने उसको जवाब देके आपने अपने घेरे में लेना है और उसको काबू करना है और उसका ऑर्डर पिक करके आपने उसको खाली हाथ नहीं जाने देना। और याद रखें, यहाँ पे आपको सही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अच्छा काम करके दिखाएं ताकि अगली बार वो आए तो आप ही के पास आए कहे कि ये बंदा यार बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर बना के देता है। ये बंदा अगर वो किसी और को भी कहे तो आपकी तारीफ़ करे, किसी और को भी बोले, अगर कोई उसको और बोले कि आपने किससे ऑर्डर बनवाया तो वो आप ही का नाम ले। ये गलती मत करना कि आप जान छुड़ाने के लिए किसी से पैसे ले लिए, आपने पूरा काम नहीं किया, उसको आपका काम पसंद नहीं आया तो दोस्तों याद रखना फिर आप इस फील्ड में फेल हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट मौजूद हैं जो आपसे बहुत अच्छा काम करके दे सकते हैं, लेकिन आपने सबसे अलग और सबसे अच्छा काम करने की कोशिश करनी है। अगर आप ऐसा काम कर दोगे इंशाल्लाह आप यहाँ पे पास हैं, आप यहाँ पे प्रोग्रेस कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 5 पे क्या है दोस्तों, आपने क्या करना है, जो जितनी भी आपकी SEO है आपने अपनी SEO उसी तरह बनानी है जिस तरह जो फेमस अकाउंट हैं, जितने भी अकाउंट हैं जो जिनके पास ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं उनके जो कीवर्ड हैं वही आपने यूज़ करने हैं, उनका जो टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन है उनकी जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है वही आपने यूज़ करनी है, ठीक है। अगर आप वो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक रैंकिंग है, उनके जो अकाउंट्स हैं वो रैंकिंग में है, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आपका अकाउंट्स भी रैंकिंग में आने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आपने वही कीवर्ड उसी तरह आपने उनसे भी अच्छी पिक्चर्स लगानी है जो आप गिग लगाएंगे उसके ऊपर। आपने जितनी भी पिक्चर्स लगानी हैं, जितने भी आपने जो सैंपल रखना है, मिसाल ले लें हम जैसे मार्केट में दुकानों के ऊपर कोई भी सैंपल देते हैं, किसी भाई को चेक करवाते हैं कि ये सैंपल देखें, इस तरह का हम माल तैयार करके देते हैं, तो आपने अच्छे से अच्छा लगाना है ताकि आने वाला देखे कि वाकई यार कोई ना कोई चीज़ तो है इसके पास। तो ये चीज़ आपने करनी है, बेहतरीन काम करना है। और अगर आप ये तमाम की तमाम चीज़ें कर लेते हैं, 5 के 5 ये जो मैंने बातें आपको बताई हैं इन पर अमल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द आप ऑर्डर पिक करने वाले बन जाएंगे, आपके पास ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे, इंशाल्लाह अज़ीज़ आप भी यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।